हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डबल कलर का डिजाइन, ये बेबी कार्डिगन के लिए। ये बच्चों के स्वेटर में बहुत सुंदर लगेगा और बहुत ही छोटा सा इजी डिजाइन है। सिर्फ चार फंदों का और चार सिलाई का डिजाइन है। ये डिजाइन चार सिलाई में बन के पूरा हो जाएगा और सिर्फ चार फंदों का डिजाइन है। देखिए, इसको हम बनाएंगे। इसको आप कितने भी फंदों में डाल सकते हैं। वैसे तो ये चार फंदों का डिजाइन है, तो आप 4 के मल्टीपल फंदे भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको कितने भी फंदे डालेंगे ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। नीटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, यहाँ हम बनाना शुरू करेंगे इसको। ये मैंने फंदे डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ये दूसरे कलर से, जिस कलर से आप बॉर्डर कर रहे हैं उसके दूसरे कलर से आप ये बनाना शुरू करेंगे। तीन फंदे बनाएंगे सीधे, एक फंदा बिना बुना लेंगे। तीन फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुना। ये पूरी सिलाई आपको इसी तरह से करनी है। लास्ट में जितने भी बचते हैं, एक बचता है, दो बचते हैं, वो भी आप इस कलर से बुन लेंगे। यहाँ मेरे ये दो बचे तो हमने दो बुन लिए। उल्टी सिलाई भी हमें इसी तरह से करनी है। जो ग्रीन फंदे हमने ये बुने हैं वो बुनने ही हैं, और जो बिना बुना लिया था हमने सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में भी हमें वो फंदा बिना बुना लेना है। देखिए, ये दो सिलाई हो गई। अब हम इस डिजाइन की तीसरी सिलाई बुनेंगे, और तीसरी सिलाई बुनेंगे हम अपने फर्स्ट कलर से, ये वाले कलर से। तीन फंदे हैं ये, इनके जो बीच का फंदा है ये हमें सीधा बुनना है, और इधर उधर के जो दोनों फंदे हैं ये हमें उल्टे बुनने हैं। ये वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है, बीच का एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, और जो फंदा हमने बिना बुना लिया था वो भी हमें सीधा बुनना है। इसी तरह से आगे ये पूरे में हम इसी तरह से बुनेंगे। तीन फंदों के ये इधर उधर के जो दोनों फंदे हैं वो उल्टे बुनेंगे, बीच का फंदा सीधा बुनेंगे, ये उल्टा बुना, ये सीधा। इस तरह से ये पूरी सिलाई एक उल्टा एक सीधा इस तरह से होगी। ये उल्टा फंदा बुना, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। अब इस डिजाइन की ये तीन सिलाई पूरी हो गई। इसके बाद हम ये चौथी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। ये चौथी सिलाई पूरी सादी बुनी जाएगी, इसमें कोई उल्टा सीधा फंदा नहीं होगा। ये देखिए, चार सिलाई में ये डिजाइन पूरा हो गया। अब हम इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। इस बार हमें, हमने पिछली बार ये वाला फंदा बिना बुना लिया था, शुरू में तीन फंदे हमने बुन के लिए थे ये। अब हमें इन तीन फंदों के बीच का फंदा बिना बुना लेना है, यानी ये वाला फंदा हम बिना बुना लेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। तीन फंदों के बीच का फंदा हमें ये बिना बुना लेना है। बस हमें शुरुआत में जब हम सिलाई शुरू कर रहे हैं तभी ये देखना है, उसके बाद तो पूरी सिलाई हमें उसी तरह से करनी है। तीन फंदे बुनने हैं, एक फंदा बिना बुना लेना है। हर बार ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमने तीन फंदे पिछली बार ग्रीन बुने थे उनके बीच का एक फंदा जो आ रहा है ये हमें बिना बुना लेना है। उल्टी सिलाई हम उसी तरह से करेंगे। जो फंदा बिना बुना है उसको बिना बुना लेंगे, और जो बुने हैं वो बुन लेंगे। ये
देखिए ये दो सिलाई हो गई फिर से हमारी। अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए। अब हमें ये वाला फंदा सीधा बुनना है और इन तीन फंदों के बीच का फंदा सीधा बुनना है, यानी ये वाला फंदा और ये वाला फंदा ये हमारे उल्टे हो जाएंगे और बुने जाएंगे ये वाले कलर से। एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई सादी बुनेंगे। सिर्फ चार सिलाई का डिज़ाइन है ये और बहुत इजी डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए ये डिज़ाइन आ गया। अब हम अगली बार फिर शुरुआत करेंगे। उल्टी सिलाई करने के बाद हम फिर यहाँ तीन ग्रीन से शुरुआत करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। इसी तरह से हम ये रिपीट करते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।